नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम DCW शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है और आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजुअल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो जो स्टॉक है कौन सा सेक्टर से बिलोंग कर रहा है एंड उसी स्टॉक का इंडस्ट्री क्या है। DCW स्टॉक का जो सेक्टर है वो है पेट्रोकेमिकल्स का एंड इंडस्ट्री है पेट्रोकेमिकल्स का। अगर आप इस स्टॉक का मार्केट कैप देखेंगे अराउंड 1640 करोड़ का एंड रिजर्व कैश कितना है 966 करोड़ का। देखिए, स्टॉक का करंट प्राइस अभी चल रहा है 55 के आसपास एंड बुक वैल्यू है 34.7 का। प्राइस टू बुक वैल्यू बन रहा है 1.6 का। डेप इक्विटी है 0.5 जो कि मैनेजेबल है। इंडस्ट्री पी है 12.6 का एंड स्टॉक का पी चल रहा है 14। इंडस्ट्री पी के आसपास स्टॉक का पी चल रहा है। डिविडेंड यील्ड है 0.36%। इसका मीनिंग है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है जिसकी वजह से डिविडेंड कुछ ना कुछ दे रहा है। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे 16.4%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 54%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 16%। तीनों टाइम फ्रेम में इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर कर रहा है। अगर अभी हम इस स्टॉक का क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे किस टाइप का रिजल्ट ये डिलीवर कर रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर, जून 21 में यहाँ पे सेल्स था 520 करोड़ का एंड जून 23 में यहाँ पे सेल्स कितना है 438 करोड़ का। लेकिन प्रीवियस दो तीन क्वार्टर देखिए, जैसे कि जून 22 में था 768 करोड़ का सेल्स, सेप्टेम्बर 22 में 700 का, मार्च 23 में 600 करोड़ का, तो आप मान सकते हैं सेल्स यहाँ पे एक बार अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन जून में यहाँ पे अभी हमको पुल बैक देखने को मिला है। जैसे कि प्राइस एक बार अप ट्रेंड जाने के बाद पुल बैक करता है, ऐसे ही सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में हमको पुल बैक देखने को मिलता है। हर क्वार्टर में कभी भी ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है। ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर आ सकता है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर हर क्वार्टर में 20-30% ग्रोथ लगभग इम्पॉसिबल है। नेट प्रॉफिट देखेंगे जून 21 में था 13.37 एंड अभी है 10 करोड़ के आसपास है। अगर अभी हम स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देखिए, प्रमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 45%, जो कि स्लाइडली रेड फ्लैग है। बिलो 50% प्रमोटर होल्डिंग आप रेड फ्लैग मान सकते हैं। FI के पास यहाँ पे होल्डिंग है 8% जो कि मैनेजेबल है। DI यहाँ पे कुछ भी होल्ड नहीं कर रहे हैं जो कि एक नेगेटिव साइन है। अगर आप पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे 47% के आसपास। अगर पब्लिक कैटेगरी में बिग इन्वेस्टर देखेंगे तो इन्वेस्टेड है, जैसे कि अराउंड बिग इन्वेस्टर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 3.5% के आसपास, जो कि पीपी वेंचर्स एंड राधा कृष्ण रामानंद प्राइवेट लिमिटेड मिलाकर यहाँ पे 3.5% के आसपास होल्ड कर रहे हैं। तो देखिए, टोटल रिटेल होल्डिंग यहाँ पे कितना है 47% के आसपास। 47 से 3.5% माइनस कर देंगे, जो कि बिग इन्वेस्टर पब्लिक कैटेगरी में इन्वेस्टेड है, तो टोटल यहाँ पे होल्डिंग बन रहा है रिटेल पब्लिक का 43.5%। किसी भी स्टॉक में अबव 20% रिटेल पार्टिसिपेशन, वहाँ पे आप रेड फ्लैग मान सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में अराउंड 43% के आसपास हमारे जैसा रिटेल पब्लिक होल्ड कर रहे हैं जिनका होल्डिंग बिलो 1% है, तो आप यहाँ पे रेड फ्लैग मान सकते हैं, क्योंकि अबव 1% शेयर होल्डिंग पैटर्न में नियम आ जाएगा। ओनली देखिए, पब्लिक कैटेगरी में दो बिग इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है, इसका मीनिंग है कि 43% यहाँ पे रिटेल पब्लिक हमारे जैसा होल्ड कर रहे हैं। 43% सोच सकते हैं लगभग प्रोमोटर के जैसा होल्डिंग रिटेल पब्लिक के पास अभी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसको अभी हम टेक्निकल फंडामेंटल ग्रुप में ले सकते हैं। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए हैं कि एक स्टॉक में एंट्री करने के लिए तीन तरीका है। एक हो गया टेक्निकल, जहाँ पे किसी भी कचरा स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं। सेकंड हो गया फंडामेंटल, इस कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक को बाय ऑन डिप करते हैं। थर्ड हो गया टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, इस कैटेगरी में हम ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जिसका फंडामेंटल थोड़ा वीक होगा तो चलेगा, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। DCW जो है प्रॉफिटेबल है, इसलिए इस स्टॉक को हम थर्ड कैटेगरी में लेंगे, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल। तो अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि किस टाइप का सेटअप दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन है DCW का। टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है मंथली। जब भी आप किसी स्टॉक को एनालिसिस करना चाह रहे हैं, हमेशा उसको मंथली टाइम फ्रेम में एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो वीकली टाइम फ्रेम में एक ही पेज के ऊपर सारा चार्ट को ले आए, उसके बाद आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपको क्या करना है। देखिए, मल्टी ईयर का रेंज के अंदर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ था 2007 से। 2007 के बाद प्राइस देखिए इस रेंज को अभी तक ट्रेडिंग कर रहा है, एंड जब भी प्राइस इस रेंज को ब्रेक करेगा ना, उसके बाद बड़ा मूवमेंट आ सकता है। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए हैं कि प्राइस हमेशा एक चैनल को फॉलो करता है,
ऊपर जाएगा अपट्रेंड चैनल, नीचे आएगा डाउन ट्रेंड चैनल, कंसोलिडेशन करेगा तो फ्लैट चैनल। क्लियर कट देखिए, प्राइस यहाँ पे फ्लैट चैनल के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ही प्राइस इस चैनल का अपर बाउंड्री को यहाँ पे ब्रेक कर देगा, उसके बाद बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ये तो हो गया मंथली पिक्चर। अभी मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। देखिए मल्टीयर का रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस यहाँ पे बना रहा है एक कॉप आना हैंडल पैटर्न। अगर आप इसको कॉप मानेंगे एंड ये हो जाएगा उसका हैंडल, तो क्लियर कट देखिए प्राइस यहाँ पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, जो कि बिग कॉप एंड हैंडल पैटर्न है। जैसे ही प्राइस ये हैंडल का नेकलाइन को ब्रेक कर देगा, नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पे बड़ा आ सकता है। देखिए जो हैंडल का अभी के लिए रेजिस्टेंस बन रहा है, वो बन रहा है नियरली 64-65 के आसपास, जो कि स्टॉक के लिए मेजर रेजिस्टेंस है। अगर आने वाले टाइम में प्राइस 64-65 लेवल को ब्रेक करके डेली या वीकली क्लोजिंग आ जाएगा, उसके बाद प्राइस यहाँ पे मल्टीयर का रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देगा, उसके साथ यहाँ पे जो कॉप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है उसका नेकलाइन को भी ब्रेक कर देगा। देखिए सेटअप बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहा है। एक बार जब ट्रिगर बन जाएगा यहाँ पे बड़ा मूवमेंट आ सकता है। अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। अभी मंथली में देख चुके हैं प्राइस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस यहां पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, बस हमको ट्रिगर का वेट करना है। क्लियर कट देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी यहां पे एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। अगर आप प्री अटेम्प्ट करना चाह रहे कर सकते हैं, ये स्विंग लो के आसपास आपका एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, नहीं तो जो यहां पे नेक लाइन बन रहा है ब्लू लाइन, इसको ब्रेकआउट करने के बाद बड़ा मूवमेंट आ सकता है, जो कि 64-65 का लेवल है। क्लियर कट देख सकते हैं मल्टीयर का रेजिस्टेंस, उसके साथ कॉप एंड हैंडल पैटर्न का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एक बार जैसे ही प्राइस यहाँ पे 64-65 लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीयर का ब्रेकआउट अभी हमको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डीसी डबल वर्सेस निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट। एक बार देख लेते हैं रेशियो चार्ट में किस टाइप का स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, आउट परफॉर्मेंस आ रहा है या अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। एंड यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ मंथली, पहले बड़ा पिक्चर में देखेंगे उसके बाद वीकली में आएगा, क्योंकि रेशियो चार्ट का इंपॉर्टेंस वीकली में एंड मंथली में ही है। देखिए प्राइस यहाँ पे भी एक रेंज के अंदर चल रहा है, लेकिन देखिए जो रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ 2020 में, लेकिन यहाँ पे रिकवरी कर लिया है। तो अगर आने वाले टाइम में प्राइस यहाँ पे जो स्विंग हाई बना है ना इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर लेता है, तो प्राइस देखिए यहाँ पे 1-2-3 बना देगा, तो यहाँ से नेक्स्ट मूवमेंट आ सकता है। एंड इसमें मल्टीयर का ब्रेकआउट तभी देखने को मिलेगा जब यहाँ पे जो ब्लू लाइन जा रहा है इस लेवल को ब्रेक कर देगा। लेकिन बहुत ही अच्छा सीनरी दिखाई दे रहा है। एक बार स्ट्रॉन्ग अप मूव देने के बाद एक रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, एंड अभी नेक्स्ट मूवमेंट देने के लिए रेडी है। बस प्राइस में जैसे ही मल्टीयर का रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक कर देगा, जो कि 64-65 के आसपास बन रहा है, उसके बाद बड़ा मूवमेंट आ सकता है, जो कि क्लियर कट आप यहाँ पे वीकली चार्ट स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि एक स्ट्रॉन्ग एंड बड़ा सा कॉप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। एक बार जैसे ही ट्रिगर बनेगा नेक्स्ट मूवमेंट आने का हाई प्रोबेबिलिटी है। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।